क्या होगा जी के बाद में? नहीं मतलब सामने से ही है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जी न्यूज़ पोर्टल के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आइए रुक करते हैं सवाई माधोपुर की प्रमुख खबरों के साथ, बोली क्षेत्र की प्रमुख खबरें। सबसे पहले तो जिले के बोली क्षेत्र से गुजर रहे भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे है, उसका 16 सितंबर को केंद्रीय मंत्री सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी निरीक्षण करने वाले हैं, यहाँ का दौरा करने वाले हैं। नज़र डालते हैं अवध एक्सप्रेस जो कोटा और सवाई माधोपुर के बीच है, वहाँ एक 17 वर्षीय किशोर एवं 16 वर्षीय लावारिस किशोरी मिले हैं, जिन्हें चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से किशोर को मर्सी आश्रय गृह में तथा बालिका को चाइल्ड लाइन कार्यालय में स्थायी रूप से रखा गया है। पूछताछ में दोनों मौसेरे भाई बहन बताए जा रहे हैं, पर घर वालों के बारे में अभी कोई उन्होंने जानकारी नहीं दी है। बात करें मौसम की तो आप मेरे पीछे देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर आज कितना सुहाना मौसम है, और इसका कारण है कि कल अच्छी बारिश ज़िले में बताई जा रही है, और आप लोगों ने देखा भी है काफ़ी अच्छी बारिश है। और बारिश होने के बाद थोड़ा मौसम परिवर्तन हो गया है, अचानक ठंड और जो पारा है वो गिर गया है। इसी के चलते क्षेत्र में कुछ मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है, और जिसके चलते लोगों को बीमारियों ने जकड़ लिया है, और जो मौसमी बीमारियां हैं वो प्रत्येक घर में पाई जा रही है, और इसके चलते लोगों को सतर्कता बरतनी है। बात करें खिरनी की, तो खिरनी से हमें कल फिर एक खबर मिली कि झोला छाप डॉक्टरों का वहाँ खूब बोलबाला है और अच्छी चांदी कूट रहे हैं। अश्लील तरीके से प्रचार करके और गुप्त रोगों का प्रचार करके और खूब पैसा कमा रहे हैं। मैदपुरा रोड पर जमीन पर दुकान लगाकर गारंटी से इलाज का दावा कर रहे हैं। दवा बेचने वाले का कोई लाइसेंस नहीं है और लाइसेंस की घोषणा कर रहे हैं। जब खिरनी के चेतराम ने लाइसेंस मांगा तो दिखाने से मना कर दिया। कार्रवाई के अभाव में इन झोला छाप डॉक्टरों का खूब कारोबार फल फूल रहा है जिले में। और फिर दूसरी खबर की ओर रुक करते हैं बोली में। चलिए बोली में अभी हमारी एक विशेष मेहमान आज जी न्यूज़ पोर्टल पर, सीमा देवी वर्मा, उनसे मिलाएंगे। और सबसे पहले तो वो समाज सेवक हैं, और समाज सेवक के साथ अचानक एक समूह उन्होंने बनाया है, और समूह बनाकर महिलाओं को एकत्रित करके और वो उन्हें रोज़गार मुहैया करा रही हैं। सबसे पहले तो सीमा जी का जी न्यूज़ पोर्टल में स्वागत है। और सीमा जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आपके मन में ये विचार कैसे आया? मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ रोज़गार नहीं है गांव में, और महिलाओं को कुछ रोज़गार दिया जाए। तो मैंने YouTube वगैरह पे मैंने देखा कि राजीविका स्वयं सहायता समूह का कुछ चल रहा है, तो मैंने उस पर देखा, तो मैंने महिलाओं को एकत्रित किया, उनको समझाया, फिर बाहर से मैंने टीम बुलवाई, और फिर यहाँ से बाहर से टीम भी आई, और उन्होंने महिलाओं को एकत्रित करके उनको समझाया, समूह बनाने के बारे में बताया, और अपना उसके बचत के बारे में बताया, बचत का कैसे बचत करनी है और कैसे हमें बाहर तक उसको न्यूज़ में उसमें लाना है। अच्छा, कितनी महिलाएं इसमें जुड़ चुकी है अब तक? इसमें हमारे अभी इस टाइम पे 295 महिलाएं जुड़ी हुई है बोली। अच्छा, इसमें समूह का क्या प्रोसेस है, समूह जो बनाती हो? इसमें 12 महिलाओं का एक समूह बनता है, 12 महिलाओं पे समूह बन के, और उसमें हम बचत करते हैं, जैसे भी अपने से चाहो 10-20 जैसे भी चाहो वैसे हम बचत कर सकते हैं। उस पैसे को हमें जैसे इकट्ठा करके 12 महिलाओं में, और फिर उसको ब्याज पे देते हैं, ब्याज पे देके उसको ब्याज बढ़ा के ही हर मीटिंग के अंदर हम पैसे देते हैं और ब्याज बढ़ाते हैं। अच्छा, तो महिलाओं को इससे क्या लाभ होता है फिर? इसे हम चाहो जिसे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं, और अपना कार्य कोई सा भी कार्य कर सकते हैं, शॉप खोल सकते हैं, और सिलाई सेंटर वगैरह जो भी अपना चाहो वो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें श्रेणी रखी गई है SC ST OBC या जनरल कोई, जैसे महिला मान लो कोई ऑलराउंड सभी कास्ट कोई भी? अच्छा अच्छा, तो जो महिलाएं हैं उनसे आप क्या कहना चाहेगी आप अपने समूह से जोड़ने के लिए? मैं महिलाओं से यही कहना चाहूंगी
कि आप सबको आगे बढ़ना है और इस मिशन से जुड़ना है और आगे अपना ये दिखाना है कि हम भी महिला कुछ कर सकते हैं। चलो धन्यवाद जी न्यूज़ पोर्टल में पधारने के लिए। तो देखिए सभी जो महिलाएं, जहां तक हमारा ये न्यूज़ पहुंच रही है, जहां तक हमारी खबर पहुंच रही है, सभी से आग्रह है कि आप इनके समूह से जुड़े और जो महिलाएं काम ढूंढ रही हैं उन्हें ढूंढने में काफ़ी आसानी होगी और इनसे मिलकर आप अपने जो रोज़गार हैं, स्वरोजगार हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं और स्वरोजगार कर सकते हैं। जी न्यूज़ पोर्टल में आज मॉर्निंग न्यूज़ में इतना ही। कल फिर इसी वक्त 7:45 बजे मैं आपको जी न्यूज़ पोर्टल लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।